अरविंद केजरीवाल आज फिर से वैसे ही झूठ बोल रहे हैं जो 7 बार पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे एमएलए को संपर्क किया जा रहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। पिछली 7 बार में जब भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इल्जाम लगाया, एक बार भी वो ये नहीं बता पाए कि किस नंबर से फोन आया, किसने संपर्क किया, कहाँ पे मीटिंग हुई, कोई घर पे आया, कोई ईमेल आया, कोई फोन आया, कुछ तो होगा। कुछ नहीं बता पाते, बस बयान देते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा सफेद झूठ दिल्ली की जनता बार बार देख चुकी है अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ने चोरी की है, कमीशन खोरी की है, उनके साथ के लोग जेल में हैं और केजरीवाल ईडी के बुलाने के बावजूद भी भाग रहे हैं, पहुंच नहीं रहे ईडी के पास, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है अब सवालों का। भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है वो पकड़ा जा चुका है, चोरी और कमीशन खोरी पकड़ी जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट, कमीशन खोर, चोर मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में याद किए जाएंगे। ये उनके आखिरी दिन चल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। इस प्रकार का झूठ अब जनता समझ चुकी है, वो उनका पाखंड जो है वो उजागर हो चुका है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन का सामना करना चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए। इस प्रकार के झूठों से, इस प्रकार के आरोपों से अब राजनीति उनकी चलने वाली नहीं है।